हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके अपकमिंग सीएम में एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में 5 टिप्स टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज कॉरपोरेट अकाउंटिंग पेपर। क्या है ये 5 टिप जिसको आप लोग फॉलो करके बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और आप अपने फाइनेंशियल एंड कॉरपोरेट अकाउंटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करें टिप नंबर 1, आपको कुछ टॉपिक्स के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर की बात करें या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, सुपर सुपर कॉन्फिडेंट एंड एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जिससे कि जब आप एग्जाम में उन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप उसको फुली बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करेंगे तो वहां पर आप एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं और कहीं ना कहीं आप स्कोर कर सकते हैं फुल मार्क्स। एज यू ऑल नो, आपको पूरे पेपर में 2 फुल क्वेश्चन छोड़ने की चॉइस दी जाती है एंड 2 क्वेश्चन का मतलब है अराउंड 3-4 टॉपिक्स, तो क्योंकि अलग अलग पार्ट्स रहते हैं वो तो हमें वैसे भी छोड़ने ही हैं। दैट डजेंट मीन कि मैं आपको टॉपिक छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसमें आपको कुछ टॉपिक्स, कुछ चंक अपने कोर्स का ऐसा प्रिपेयर कर लेना है कि उसका तो फिर जहां से भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू सॉल्व इट वेरी वेरी करेक्टली और आप उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह एवरीथिंग बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, जिसमें वो इंस्टीट्यूट आपको बिल्कुल ही फुल मार्क्स देने वाला है। तो फर्स्ट टिप वॉज बी एक्सपर्ट इन सम टॉपिक्स। अपनी सेकेंड टिप की तरफ चलते हैं। सेकेंड टिप इज राइटिंग प्रैक्टिस इज नेसेसरी। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो अकाउंटिंग के पेपर को भी कैसे पढ़ रहे होते हैं सॉल्यूशन साथ में रख के, और वो जस्ट टिक कर रहे होते हैं कि ठीक है जी ये ऐसा हो गया, ये वैसे सॉल्व हो जाएगा, तो वो आपको देखने में तो लग रहा है कि आप सॉल्व कर लेंगे, बट जब एक्चुअल आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए वाइल डूइंग रिविजन ओनली आपको उसकी रिटर्न प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जस्ट लाइक एनी अदर थ्योरी सब्जेक्ट उसको बस रीड करके आपका काम नहीं बनेगा, यू हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन, सो राइटिंग प्रैक्टिस इज एब्सोल्यूट नेसेसरी। थर्ड टिप की बात करते हैं, आपको अकाउंटिंग जैसे पेपर में रेगुलरिटी मेंटेन करनी है जिससे आपका फ्लो बना रहे। हम ऐसे नहीं कर सकते कि 2 दिन अकाउंटिंग पढ़ा फिर हमने 4 दिन उसको छोड़ दिया, आपको रोज ही पढ़ना है। चाहे आप एक्यूमुलेशन में टाइम थोड़ा जरूर कम कर सकते हैं बट यू मस्ट बी रेगुलर टू मेंटेन दैट राइटिंग फ्लो, टू मेक दैट फॉर्मेटिंग इन यूर माइंड, एवरीथिंग मस्ट बी देयर वाइल गिविंग एग्जामिनेशन, तो उसके लिए आपको रेगुलरिटी यहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टिप, दैट इज टिप नंबर 4, दैट इज इनकलकेट हैबिट टू मेक फॉर्मेट वर्किंग नोट एसेट्रा एसेट्रा। तो जो भी उस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपको से बैलेंस शीट बनानी है, आपको कोई स्टेटमेंट बनानी है, आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखानी है, कुछ वर्किंग नोट्स बनाने हैं, उसके लिए वाइल डूइंग प्रैक्टिस ओनली आपको अपने अंदर हैबिट डालनी पड़ेगी कि आप जस्ट रफ में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, आप उसमें भी फॉर्मेटिंग करने की आदत डालें, वर्किंग नोट प्रॉपरली बनाने की आदत डालें, क्योंकि यही हैबिट आपको आपके एग्जामिनेशन हॉल तक लेकर जाएगी और आपको वहां पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज वी ऑफन सी कि बहुत सारे बच्चे जिनको बहुत अच्छे से अकाउंटिंग भी आती है वो भी जब एग्जाम में फॉर्मेट्स बना रहे होते हैं तो बहुत स्ट्रगल करते हैं और वो वहां पर स्ट्रगल करना आपके लिए बहुत डिजास्टरस हो सकता है। सो इट्स बेटर कि आप घर पे जब रिवीजन ही कर रहे हैं आप कुछ क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से फुल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, वर्किंग नोट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट्स, एवरीथिंग यू हैव टू मेक बाय योर हैंड। एंड द लास्ट टिप वी हैव, कवर थ्योरी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एट द एंड। तो जो भी आपके पर्टिकुलर कोर्स में थ्योरी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, जो बेसिकली मोर ऑर लेस थ्योरेटिकल पार्ट है, या अगर प्रैक्टिकल भी हैं तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसको आप थोड़ा सा एंड के लिए रख सकते हैं। बिल्कुल एंड में आप इसको पढ़ेंगे तो आपकी मेमोरी में भी रिटेन रहेगा और अल्टीमेटली आपके एग्जाम में आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। पहले आप अपने बाकी सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, एंड में आप थ्योरी पोर्शन एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देख सकते हैं। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।